हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल की मिठाई, जो कि बहुत ही कम मेहनत में बनाकर तैयार किया है। और तो और, इसे हमने बिना गैस चलाकर ही तैयार किया है। ये मिठाई इतनी टेस्टी कि मुंह में जाते ही गुल जाने वाली मिठाई है, और दो लेयर की हमने इसको बनाकर तैयार की है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक सूखा नारियल लिया है, खोपरा, सूखा नारियल, जो भी आप इसे बोलते हो। अब इसको हम तोड़ लेंगे। तो बीच में से इसको तोड़ लिया है और अंदर से चेक कर लेंगे कि ये ख़राब है या नहीं, क्योंकि अक्सर सूखा जो नारियल होता है वो अंदर से ख़राब निकल जाता है। तो अब इसके जो ब्राउन पार्ट हैं इसको हम छील लेंगे, क्योंकि मिठाई में ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए हम इसके ब्राउन पार्ट को निकाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको छील लिया है। अब जो सूखा नारियल है इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि मिक्सी में इसे पीसने में आसानी हो जाए। तो अब इनको हमने छील लिया है और अब इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीसेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। और ये देखिए, इस तरीके से ये नारियल का बुरादा बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो मार्केट वाला जो नारियल का बुरादा मिलता है वो भी ले सकते हो। तो सारे नारियल को हमने इस तरीके से पीस लिया है। अब एक सूखा नारियल लिया था उसको हमने पीस लिया है। अब इसी के माप से देखेंगे कि ये कितना पिसा है। तो यहाँ पे हमने एक कप नारियल का बुरादा लिया है, इसको हम कटोरी में डाल देंगे और दूसरा भी कप हम भर लेंगे। थोड़ा सा बचा था एक्स्ट्रा, इसको हम साइड में रख देंगे। तो टोटल यहाँ पे एक सूखे नारियल का हमने दो कप नारियल का बुरादा बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने उसी मिक्सी में आधा कप चीनी ली है, क्योंकि जो नारियल का बुरादा है उसमें भी हल्की सी मिठास रहती है। अगर आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए। अब चार हरी इलायची डाल देंगे इसमें फ्लेवर के लिए और इसे ढक कर पीस लेंगे। और ये देखिए, चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम नारियल के बुरादे वाले बाउल में डाल देंगे। अब लेंगे मिठाई का टेस्ट और बढ़ाने के लिए आधा कप मिल्क पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ आधा कप ही लेना है, क्योंकि हम नारियल की मिठाई बना रहे हैं। अगर ज़्यादा मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसमें पूरा स्वाद मिल्क पाउडर का ही आएगा, नारियल की मिठाई का स्वाद कम आएगा। आप मिल्क पाउडर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, लेकिन इतना ही मिल्क पाउडर डालने से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और मिठाई का टेस्ट भी बढ़िया आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लेंगे यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच दूध। इसको हमने गर्म कर लिया था और फिर इसको ठंडा करके इसमें डाला है, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि ये पतला ना रहे। तो सारे दूध को हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें से हमने दो भाग किए हैं इसके। एक भाग को हम एक कटोरी में डाल देंगे और दूसरे भाग को उसी बाउल में डालकर इसे मसल कर इसे साइड में रख देंगे। अब उसी तरीके से दूसरे को भी हम इसी तरीके से मसल कर रख देंगे। तो एक भाग को तो हम इसमें सफ़ेद ही रखेंगे और दूसरे वाले भाग में हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आधा चम्मच ही डाला है। आपके पास और कोई फूड कलर हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा हाथों में इसका डो ले लेंगे और इसे हम गोल गोल घुमाते हुए इसकी बॉल बना लेंगे। नींबू से छोटी बॉल बनानी है हमें। ये देखिए, इस तरीके से हमें बॉल बनाकर तैयार करनी है। इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और दूसरी भी बॉल हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे जो ऑरेंज डो का हमें इसी तरीके से बॉल बनाकर तैयार करनी है, ये देखिए। और इसी तरीके से हम बनाएंगे सफ़ेद वाली डो की भी बॉल। इसे भी हम थोड़ा सा हाथों में ले लेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसकी भी बॉल बना लेंगे। ये देखिए, दोनों को हमें बराबर ही बनानी है। तो सारी सफ़ेद बॉल हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हाथों में एक ऑरेंज बॉल को और एक हम लेंगे सफ़ेद बॉल को, दोनों को बराबर रख देंगे हथेली के ऊपर और हल्के हाथों से इस तरीके से हम गोल गोल इसको घुमाएंगे।
इसे एक ही तरफ हमें घुमाते रहना है, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और ये देखिए एक मिठाई हमने बनाकर तैयार कर ली है, कितनी बढ़िया और सुंदर दिख रही है। दूसरी भी मिठाई हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। हल्का अगर क्रेक भी हो रहा हो तो उसे आप हाथों से चिपका लीजिए। और ये देखिए दूसरी भी मिठाई हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से हम सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिठाई को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो इसके ऊपर लगाएंगे हम चांदी का वर्क ताकि दिखने में ये बहुत ही बढ़िया दिखे, और थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर पिस्ता की कतरन। और ये लीजिए बिना मेहनत बिना गैस चलाए इतनी टेस्टी मिठाई हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई है। तो इस जन्माष्टमी में आप ऐसी मिठाई जरूर ट्राई कीजिए बिना गैस चलाए और बिना मेहनत किए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।